ले बीबी जी सेब। चलो ठीक है, मैं आपे खा लूंगी, जाओ तुम। जाओ मैं बीबी जी। जाओ। ठीक। ये टीवी क्यों नहीं देखती, क्यों अकेली बैठी रहती है? ले दस, मुझको क्या पता। वो कहती है मुझे हॉल उठते हैं, दिल खाली खाली हो जाता है, दिल घबरा उठता है। भला ये भी कोई बीमारी है? छोटे बड़े सभी डॉक्टरों को दिखा चुका हूं, सब कहते हैं कि इसे कुछ नहीं है। ले दस, कुछ से तो दिल की बात ही नहीं करती, बस सिर नीचे डाल के फकीरों की तरह फिरती रहती फिरती रहती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, जब से शादी हुई है कुछ बोलती नहीं है, खाली आंखें देखती रहती है। ना दस, शाम होते ही ना पागलों की तरह अंदर बार होके भरती फिरती है। होके भरना भी कोई बीमारी है? दिल गुर्दे की बीमारी हो तो बात भी है। अब मैं क्या करूं फिर, अब है कहाँ? बाहर लान में बैठी हुई है, दिल खाली खाली रहता है। भला ये भी कोई बीमारी है? बेटा इसको ना बहुत अच्छे किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। अम्मा जी सब छोटे बड़े डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, सभी कहते हैं कि इसे कुछ नहीं है, काहे पिए ऐश करे। दोस्त मुझे फिर क्या कहता है, खुद ही तो कहता था अम्मा इसी लड़की से मैंने शादी कर दी, लड़की से शादी। वो तो ठीक है मां, मगर मैं जा रहा हूं, वो दोस्त आए हुए हैं दुबई से, उनको खाना खिलाना है, रात को लेट आऊंगा। ले दस, घड़ी घड़ी रोज रोज यही बात कहता लेट आऊंगा, मुझे पता है रोज ही देर से आता है। यहां क्यों बैठी हो, अंदर जाओ। यही ठीक हूं, यहां बैठे बैठे कम से कम इस चांद को तो देख सकती हूं जो मुझ पे हंसता रहता है, अभी भी हंस रहा है, हालांकि वो खुद भी अकेला है मेरी तरह, गारे की तरह छुपता रहता है। आपको नहीं छुपता? मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, ये सब क्या है? मुझे खुद नहीं पता ये सब कुछ क्या है। पता नहीं आप क्या क्या बातें करती रहती हैं। सुबह डॉक्टर को दिखाऊंगा, जाएं सो जाएं जाके। ये शख्स जो मुझे सो जाने का हुक्म देकर चला गया है, ये मेरा शौहर है सुहेल इफ्तिखार। उसने कहीं मुझे देखा, पसंद किया और ख़रीद लिया मुझे मेरे माँ बाप से। मेरा बाप एक सरकारी महकमे में मामूली सा अफसर है, उसने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा रिश्वत ली सुहेल इफ्तिखार से। मेरी बाकी तीनों बहनों का जहेज, मेरी बहनों का मुस्तकबिल, लेकिन इस सौदेबाजी में मुझसे मेरे माँ बाप की मोहब्बत छिन गई और मैंने अपने आप को खो दिया। ये कैसी जिंदगी है?
ये केस आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस हो सकता है. यू हैव टू मॉनिटर इट वेरी केयरफुली. नई नई बातें सीखने में आएंगी इस पेशेंट के मुतल्लक. जरा तवज्जो करें. जी बीबी. जी सर जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आती जी. वैसे मुझे तो लगता है कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है. भाई देखें बीबी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात का खुद जवाब दें. ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जूनियर डॉक्टर्स हैं और ये हाउस जॉब कर रहे हैं. जी ये मैं जानती हूँ, पर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मुख्तलिफ केसेस स्टडी करते हैं, सवालात पूछते हैं और मैं उनको गाइड करता हूँ. ये भी मैं जानती हूँ. तो फिर मसला क्या है? अच्छा ये बताएं कि आप क्या फील करती हैं? आप समझ रहे हैं मैं अपने बारे में इन सबके सामने आपसे बात करूंगी? हाँ मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो महज आपकी हिस्ट्री लेना चाहते हैं. जी मेरी ना कि ज्योग्राफी है ना हिस्ट्री है, और इन सब के सामने तो मैं आपसे अपने बारे में कोई बात नहीं करूं. That suits me. आप ऐसा करें, शाम को मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाएं, मैं इनको वहीं देख लूंगा. जी ठीक है जी, मैं शाम को आ जाऊंगा. अपॉइंटमेंट लेना ना भूलिएगा. जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. पाजी तशरीफ रखे, आज बड़े दिनों के बाद आए हैं. और काशिप बोतलें ला दो ठंडी. ना ना मैं आपसे नहीं बोलती. क्यों जी? बेबी की शादी का कार्ड हम खुद देकर गए थे, अब आए ही नहीं. ओए होए 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 आप जी, मैं दुबई गया हुआ था, वहाँ भी शोरूम है ना जी अपना. शादी का सारा जेवर यहाँ से लिया. इतनी बड़ी शादी थी देखने वाली, 2000 लोग आए थे. जाहिर है जी, आपकी बच्ची की शादी थी, क्यों नहीं होगी अच्छी. बस आपा मैं दुबई चला गया हुआ था, ईमान से मुझे याद ही नहीं रहा. अच्छा छोटी की शादी है, देख लेंगे. नहीं जी इंशाल्लाह, मैं दुबई में भी हुआ ना जी, सीधा वहाँ से शादी पे. अच्छा कोई नए डिजाइन वाले जेवर तो दिखाएं. हाँ बहुत अच्छे डिजाइन आए हैं, जाहिर साहब दिखाएं जी, बहुत अच्छे डिजाइन है जी. ये देखे आज ना, ये बड़ा बड़ा डिजाइन आया जी. ये देखें जी, ये पूरे लाहौर में नहीं आपको मिलेगा जी ऐसा डिजाइन. ये मैं खुद दुबई से लेके आया हूँ. अच्छा ये कितने तोले का है? तोले मासे का हिसाब छोड़े, आपसे कोई हिसाब पेट का होता है? आप बस ले जाए मेरे कहने पे. पैसों का हिसाब तो रखना पड़ता है. और जी छोड़े पैसों को, मुझे पता है शेख साहब आजकल जितना माल कमा रहे हैं, अल्लाह ज्यादा दे उनको. आप बस खरीद लें, बहुत अच्छा है. एक और मैं आपको सेट दिखाता हूँ हीरे का. ये जाहिर साहब दें जी जरा, ये देखें, ये भी बहुत अच्छे. ठहर जाए एक और आपको चीज दिखाता हूँ, ये देखे. ये कितने का है? और जी ये कोई बनेगा मेरा ख्याल 10 लाख का बन जाएगा. अब ले जाएं बस, पैसों का क्या है आपा, आपके साथ कोई हिसाब होता है? लो जी जाहिर साहब ये बिल बना दें जी इसका, ये दोनों जी. जी लो जनाब. सोने की गली हूँ,
अब बताएं आप क्या महसूस करती हैं? यही तो पता नहीं क्या महसूस करती, सब कुछ खाली खाली लगता है, हॉल उठते हैं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, शाम होते ही लगता है कि दीवारें मेरे ऊपर गिर जाएंगी, दिल करता है बाहर निकल जाऊं, गलियों में फिरती रहूं, फकीरनी बन जाऊं। दिन को भी ऐसे होते? कभी कभी दिन में लगता है जैसे किसी ने मेरे जिस्म से सारा खून निकाल लिया। कब से हो रहा है ये आपको? पता नहीं। अच्छा ये बताएं कि जब ऐसा होता है तो आप क्या करती हैं? जिसके साथ ऐसा होता है वो क्या कर सकता है? पतंग जब डोर से कट जाती है तो क्या होता है? पतंग को क्या पता वो किधर जा रही है? अच्छा ये बताएं कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मालूम नहीं, शायद काफी अरसा हो गया। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? देखिए बेटे, डायग्नोसिस के लिए ये जरूरी होता है कि ऐसे सवाल पूछे जाए ताकि डॉक्टर किसी सही नतीजे पर पहुंच सके। आप अब डायग्नोस कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप अपनी शादी से खुश हैं?
मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ। शादी की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आपके हस्बैंड को बुलाना चाहिए। जी सर। एक साथ बाहर है जो इनके साथ आए हुए, उन्हें अंदर भेज दें। मेरा ख्याल है जी इनको कोई वहम हो गया। आप क्या करते हैं? दुकान है जी बड़ी मशहूर, सोहेल ज्वेलर के नाम से, गुलबर्ग में। दुबई में भी एक शॉप है जी अपनी। आप दुकान बंद करके किस वक्त घर आते हैं? और जी बिजनेस ही कुछ ऐसा है जी, फिर सोशल लाइफ भी है। आपको पता है कि उधर मार्केट में एसोसिएशन भी है जी, कमेटियां शमेटियां भी डाली हुई हैं जी, फिर वो मीटिंगें चलती रहती हैं। यही को बस घर पहुंचते पहुंचते को एक दो बज ही जाते हैं जी। आपकी तालीम क्या है? अच्छा, जब बिजनेसमैन बन जाता है बंदा तो तालीम तो रह ही जाती है ना, हमसे तो सोने का रेट पूछेंगे। अच्छा जी, बताएं कि आप कभी इनको घूमने फिराने ले जाते हैं, यानी मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर? इतना टाइम किधर होता है जी। वैसे गाड़ियां हैं दो तीन, को ढाई तीन किलो सोना लेके दिया हुआ जी। सब ठीक ठाक है, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, पर थोड़ी सी डिप्रेशन है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, आप उनको बाकायदगी से देते रहें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। दीदी आपने घबराना नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खाएं पिए घूमें मौज उड़ाएं, नो प्रॉब्लम। ओके जनाबे वाला, आज की औरत की अना को कुचल दिया गया है, उसे एहसास कमतरी का मरीज बना दिया गया है। हालांकि आज की औरत किसी तरह भी मर्द से कमतर नहीं। जनाबे वाला, आज की औरत को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आज की औरत को मुकम्मल आजादी की फजा की जरूरत है। जनाबे वाला, जब तक आज की औरत को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी नहीं मिलती, वो इसी तरह खुट खुट के मरती रहेगी। जनाबे वाला, आज हम 21वीं सदी की दहलीज पे खड़े हैं, मगर अब भी हमारे माशरे में लड़की की जगह उसके माँ बाप हाँ कहकर उसके मुस्तकबिल का फैसला कर देते हैं। मान लीजिए जनाबे वाला, मान लीजिए आज के माशरे में औरत चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर मर्द के तसल्लुस से आजाद नहीं हो सकती। माफ करना बीबी जी, मैं जल्दी में आपको देख नहीं सकी। कोई बात नहीं, ये कौन लाया है? ये आपके अम्मी को लाए हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि नौकरी से रिटायर हो गए, इसलिए उसी माँ बीबी की यादें साथ लेके आए ताकि वो अपने कमरे में सजा लें। इस मुबाहिसे में अव्वल इनाम हासिल करने के लिए तशरीफ लाती हैं सीमा वहीद। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, मैं कहता हूं कोई इलाज भी तो हो ना। लता से बास बुढ़िया ना ऐवें मकर फरेब करती है, ठीक हो जाएगी, तू फिकर ना कर। मम बोलती नहीं है बिल्कुल, हौके भरती रहती है, दौरे पड़ते हैं इसको,
मुझे तो लगता है अम्मा इस पे जरूर कोई जिन का साया है। हाँ हाय ले दस पीर वलैत अली शाह का तवीज ना एक टिक है, पानी पे फूंक मार के दम करके देता है बंदा ठीक हो जाता है, सारी गर्दश दूर हो जाती है। पर गर्दश है किस बात की? अम्मा हो सकता है हमारे दुश्मनों ने तवीज कर दिए हो। ले दस चला दस, कभी दुश्मन भी तवीज करते हैं, तवीज तो अपने करते हैं। तू ना फिक्र कर, मैं ले जाऊंगी इसको पीर वलैत अली शाह के पास। अम्मा एक बात तो बता, इसकी पहले कहीं मंगनी तो नहीं थी हुई? हाय लदास, कॉलेज से सीधा उठा के उसकी शादी की है, तो मंगनी की बात करते हो? अम्मा होता है इस तरह की लड़कियां आते जाते किसी ना किसी को पसंद तो कर ही लेती है ना। ऐसी कोई बात नहीं, तू वहम ना कर, माँ बाप उसके इतने बेचारे सीधे सादे हैं, आगे अल्लाह की अल्लाह जाने भी। मुझे ऐसे ही ख्याल आते हैं, हो सकता है किसी की याद में होके वर्ती हो। लता से चल आ जा, वहम हो गया तुझको। वहम तो उसे हो गया, समझ नहीं आती। अगर किसी से मोहब्बत करती है तो बता दे। लदास, शरीफ घरों की लड़कियां ना कोई मोहब्बत शब्बत नहीं करती हैं। ऊपर ऊपर से पाए नहीं करती, अंदर अंदर से तो कर सकती हैं ना। लदास तू फिक्र ना कर, मैं उसे ले जाऊंगी कल दम कराने। क्या काम पड़ गया है? अरे यार मेरा माल आ रहा है दुबई से। यार सोहेल, तेरी तो कस्टम वाले से पत्ती फिट थी। और तब्दील हो गया वो। तो नए आने वाले से पत्ती फिट कर लो, वो जो मेरे वाला है ना वो हेडक्वार्टर वापस चला गया है। अरे यार कहीं कांटा फिट करो, माल काफी ज्यादा है। अच्छा तू फिक्र ना कर, मैं अपने वाले से तेरी बात करा देता हूँ। एक तो यार मैं शादी करके फंस गया, मैं बिल्कुल स्वाद ही खत्म हो गया। औरतों को इतना सर पे नहीं चढ़ाते, ये जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं ना बड़े नखरे करती हैं। जूती पे लिखना चाहिए इनको राइट डाउन ऑन द शू। पता नहीं क्या हो गया उसे, समझ ही नहीं आती, जब घर जाता हूँ जाग रही होती है। यार तू इतना लिफ्ट ना करा उसे, नहीं सोती तो ना सोए, तू सो जाया कर। ये बुढ़िया कभी खुश नहीं होती, चाहे इनको सोने में तोल दो। मैं तो वाकई सोने में तोल के लाया था उसे। अच्छा इसीलिए सोने का रेट बढ़ गया है। चलो यार दो बज गए हैं, चलेंगा। यार सोहेल एक बात तो बता, शादी तो तुम्हारी बिरादरी में हुई नहीं, ये रिश्ता किसने कराया है? मेरी गुलबर्ग वाली दुकान पे सहेली के लिए जेवर पसंद करने आई थी, मुझे पसंद आ गई, माँ को लेके चला गया उनके घर। तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान इतनी मुख्तसर? तू मुख्तसर कहता है, और इसने तो अपनी मोहब्बत की दास्तान को पूरी जिंदगी भर फैला रखा है। चलो यार इस बकबक को बंद करो, जितनी देर तक भज्जे के पावे पेट में नहीं ना जाएंगे नींद नहीं आएगी। चलो उठो। ये की ना बात। ले मेरी चिड़िया मेरी बेटी, ये ले दवाई पी ले। नहीं पीनी मुझे इतनी कड़वी कसैली दवाइयां, सीना छिल जाता है मेरा। ले दस बेटा, हकीम जी ने कहा था दवाई में नागा नहीं डालना है। कौन सी बीमारी आप लोगों को मुझ पे नजर आ गई है? कौन सा मर्ज लग गया मुझे? क्यों नहीं मुझे अकेला छोड़ देते, हर वक्त साय की तरह मेरे पीछे लगे रहते हैं, पागल हो गई हूँ क्या मैं? प्लीज इन्हें फेंक दे, मैंने नहीं पीनी। लदास इतना ऊंचा ना बोल, सास हूं मैं तेरी, प्यार करती हूँ तुझसे, इसलिए कि तू मेरे बेटे की पसंद है।
वैसे तो बरादरी में तुमसे भी अच्छी अच्छी कई लड़कियां थी, पर चार जमाते पढ़ लेने का ये मतलब नहीं होता कि तुमको ऊंचा बोलने का हक मिल गया। हक मैं हक क्या होता है, किसके पास होते है और क्यों होते है? लदास मुझको क्या मालूम हो कि तुम ये सवाल क्यों कर रही हो, बताती भी तो कुछ नहीं हो ना तुम मुझे। अम्मा कुछ है ही नहीं बताने के लिए। अच्छा फिर ले दवाई पी ले मेरी बेटी, पी ले दवाई पी ले। देख मैंने कभी किसी की मिन्नत नहीं की, तेरी मिन्नतें करती हूँ, पी ले। थोड़ी देर बाद पी लूंगी। लदास इतनी सी बात थी, पी लेना है? पी लो, जरूर पी लेना मेरी बेटी। और अब आप एम ए साले अव्वल की तालिबा सीमा वहीद को तारीखी किरदार अनारकली के रूप में देखेंगे। हेलो सीमा, सीमा मुझे देखो या ना देखो मगर ये मेरी दुकान का सबसे खूबसूरत हार है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये देखो,
इतना बोझ मत लादो कि से मेरी गर्दन टूट जाए। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, आज तो मुझसे हंस के बात करो। सोने में तोल के लाया था तुझे, कक से हल्का कर रही हो मुझे। कक से हल्की तो मैं खुद हो गई हूं, सोने का बोझ उठाने के काबिल नहीं हूं मैं। मेरा कसूर क्या है? पता नहीं। तो फिर तुझे क्या गम है? पता नहीं। फिर तुम्हारे अंदर इतनी बेचैनी, बेसुकूनी और ये बेजारी क्यों है? मुझे नहीं पता। मुझसे कोई अच्छी सी बात ही करो। बात क्या होती है भाई? मोहब्बत की बात। मोहब्बत की बात क्या होती है? मोहब्बत, मोहब्बत, ये मोहब्बत। हाँ, मुझे याद आया सीमा, आज हमारे मार्केट में इलेक्शन थे, सबने मिलके मुझे सदर बना दिया। मेरा बाप भी ताहयात मार्केट का सदर रहा है। सीमा, कल ना मैं शादी की पहली सालगिरह के मौका पर डिफेंस में सीमा ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान का इफ्तिताह करवा रहा हूँ। हाँ, बड़ी बड़ी बेगमात आएंगी, ये फिल्मी हीरोइनें आएंगी, अखबार वाले आएंगे, तुम मेहमान खसूसी हो, चलोगी ना? कहाँ? भाई अपनी दुकान का इफ्तिताह करने। दुकान का? इसका मतलब है तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे तो अपनी भी कोई बात नहीं सुनाई देती। तुम मां के साथ बूर बन चली जाओ। बड़ी अच्छी जगह है, मैं हर साल जाता हूं, ऊपर वाला सारा फ्लोर बुक करवा लेता हूं, बड़ा मजा आता है। बूफे, चिकन, ये लंच, डिनर, मौसीकी, बड़ा कुछ होता है, पता नहीं क्या क्या, बड़ा स्वाद आता है, बड़ी टहल सेवा करते हैं वो। वैसे तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या बात करूं मैं आपसे? भैया बात भी मैं ही बताऊं, कोई बात तो होनी चाहिए ना। आप जो मुझसे बात करते हैं उसका जवाब तो दे देती हूं ना मैं, मगर कोई ऐसी बात करो ना जिसका जवाब मुझे देना पड़े। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बहुत अच्छा, A1, फर्स्ट क्लास। बस कोई और बात भी करो। और कोई बात नहीं आ रही। देखो, मुझे ये एहसास हो रहा है कि तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो। इससे अब क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती हो तो मुझे बता दो,
मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती, अपने आप से भी नहीं। आखिर तुम चाहती क्या हो? तन्हाई। फिर वही तन्हाई। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, किसी और कमरे में चले जाएं। माँ के साथ पूर्वन चले ही जाओ, लेकिन खुदा के लिए मुझे एक दफा बता दो, तुम किससे मोहब्बत करती हो? नहीं है, नहीं है किसी से मोहब्बत, मुझे बताया नहीं, किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। चली गई लदस, एक तो इस लड़की को चैन नहीं है, सुबह सुबह चली गई, नाश्ता करना था मैंने, मुझे तो भूख लगी भी। देखती हूँ इसको, यही कर दास। बेटी तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? अम्मा मैं तो यहीं पे हूँ। बेटी अब कैसा लग रहा है? बस अम्मा दिल करता है इन्हीं दरख्तों में फिरती रहूं और यही शाम हो जाए। नहीं मेरा मतलब है कि तुम्हारे दिल को क्या हो रहा है? अम्मा ये पता चल जाए तो फिर मसला ही क्या है? यहाँ की ना आबो हवा कितनी अच्छी है। बेटी तू ना लंबे लंबे सांस ले,
सांसों पे किसका बस है अम्मा, खुद आती है खुद ही चली जाती है। ओ दोस्त, हुकीम जी ने कहा था कि दिमाग को ना ठंड पड़ती है, चेता जा पे आ जाता है। मुझे समझ नहीं आती आप लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। ले दस क्यों कर रहे हैं, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए और क्यों कर रहे हैं। मुझे कौन सी बीमारी है। ले दस मुझको क्या पता, अल्लाह की अल्लाह ही जाने, मैं तो रात से मुझे भूख लगी हुई है, इतनी सख्त भूख लगी हुई। चलो उठो नाश्ता करते हैं, चल के मैं आती हूँ, आप जाके शुरू करें, मुझे बड़ी भूख लगी हुई, आ जाना। एक रास्ता जिसे कलियों ने सरे दश्त पिरोया हो हमारी खातिर, हम कहीं दूर से आते हों किसी ख्वाब में गुम, हाथ में हाथ लिए सते आईना पे चलती हुई खुशबू की तरह, वादिये गुल की तरफ बहते हुए जाते हों, मगर है जाने जहाँ इसके लिए हमें गिरताबे जमाना से निकल आने की फुर्सत भी तो हो। वक्त के तश्ते बलाखेज में कलियों को चिटकने की इजाजत भी तो हो। भरा है आंगन सजना।
इतना तो फिर पूछ रहे हो? मैं तो कह रही हूँ ना कि नाश्ता ही कर रही थी, तो नाश्ते में तो देर लगती है ना। हाँ, वो बाहर ना दरख्तों में फिर रही है, आबो हवा का असर हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ नहीं, तुम सुनाओ सोने का भाव क्या है? चढ़ गया? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। मेरी बेटी आज पहले से बेहतर नहीं लग रही? हाँ अम्मा, मैं आकर काफी खुश हूँ। चलो अल्लाह का शुक्र, तो खुश तो है ना। अम्मा एक बात तो बताएं, आपके मियाँ आपके साथ कैसा सलूक करते थे? मोहब्बत करते थे आपसे? हाय, कितनी बेशर्मी की बातें कर रही है। हमने ना कभी किसी के सामने बात तक नहीं की थी, बहुत शर्म आती थी मुझे। आजकल तो एक थाली में बैठ के हड़प 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 कट्ठे खाना खा रहे होते हैं, पता नहीं क्या जमाना आ गया। छोड़े अम्मा, पता नहीं आप लोग कब निकलेंगे अपने जमाने से। अच्छा मैं जरा बाहर जा रही हूँ। बाहर जा रही? नहीं बेटी, इस वक्त अकेली इतनी रात को? अम्मा मैं इस वक्त पहाड़ों के ऊपर घरों की रोशनियां एंजॉय करने जा रही हूँ। क्या करने जा रही है? अम्मा पहाड़ों पे जो घरों की रोशनियां नजर आ रही है ना, वो देखने जा रही हूँ। नहीं मेरी बेटी, मेरी प्यारी सोनू, सोनू बेटी मेरी, नहीं मैं नहीं जाने दूंगी इस वक्त रात को। नहीं तू सो जा, हैं? सो जा, मैं भी सोने लगी, ठीक है? आप सो जाए अम्मा, मुझे भी नींद नहीं आ रही, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी।
मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। हाँ हाय लदास। अम्मा सीमा का क्या हाल है, कुछ फर्क पड़ा? लदास बीमारी का पता चले तो फर्क का भी पता चले ना। तो मरी की सैर वगैरह की है? क्या मरी की सैर करनी है, बस जब बाहर निकलती है ना दरख्तों में पत्तों में फूलों में बड़ी खुश होती है, बड़ी खुश, ऐसे खुश होती है जैसे ना परिंदों की तरह उड़ 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 रही है। ये तो अच्छी बात है। फिर क्या, जब कमरे में आती है तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसको पिंजरे में बंद कर दिया। अंदर आके क्या करती है? लदास मुझको क्या पता करती क्या। हाँ वो ना कागज और कलम लेके बैठ जाती है, लिखती रहती है कुछ। किसको खत लिख रही थी? ना मुझको क्या पता हो खत लिखती है कि क्या लिखती है, मैं बस आ रही हूँ वापस। हाँ आ जाओ, अगर फर्क नहीं पड़ता तो क्या फायदा। हाँ आ जाओ, खुदा हाफिज। तो महसूस क्या करेंगे आप? कुछ महसूस नहीं होता मुझे। मेरा मतलब है कि अपनी पूरी कैफियत बयान करें। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे कोई भेड़िया भाग रहा है, मैं उनसे भागा नहीं जा रहा। तो ये सर मुझे काइंडली जी, मेरा मतलब है कि प्लीज मैं इनका खामंद हूँ जी। जी मालूम है मुझे, लेकिन इनकी कैफियत पूरी तरह जानने के लिए जरूरी है। हो सकता है कि क्या आपके सामने ये खुलकर बात ना करें? जी ठीक है जी। आप यहां पे आ जाइए। शादी को कितना अर्सा हो गया आपकी? हिसाब किताब याद नहीं रहता मुझे। ये शादी आपकी पसंद की थी? पसंद की शादी क्या होती है मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है कि जब आपकी शादी हुई उस वक्त आप स्टूडेंट थी। मैं एमए पार्ट वन की। सब्जेक्ट लिटरेचर। उर्दू या अंग्रेजी? इंग्लिश। उर्दू शायरी पसंद है आपको? देखिए इस शायर को कभी पढ़ा आपने? मेरी पसंद ना पसंद सब खत्म हो चुकी है, ये तो मेरा दुख है। Any interest with music? Please. मैं इन सब चीजों से बहुत दूर जा चुकी। सुहेल सर को भेजिए प्लीज। क्या करेंगे आप मेरा इलाज करके? अपनी फीस के लिए आप मेरा इलाज कर रहे हैं, वरना आपको मुझसे क्या हमदर्दी है? देखिए एक डॉक्टर को अपने हर मरीज के साथ हमदर्दी होती है, फीस तो हमारे वक्त की कीमत होती है। प्लीज सुहेल साहब, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये है कि मुझे 15 रोज है इनके साथ काउंसलिंग करना होगी। जी काउंसलिंग से मेरी मुराद है 1 घंटा बातें करना होगी, 15 रोज, रोजाना 1 घंटा। क्या मतलब जी, मैं समझा नहीं। देखिए नफसियाती इलाज में मरीज के साथ बातें इसलिए की जाती हैं कि उसकी जहनी उलझनों को समझा जा सके।
ठीक है जी, वैसे इनको है क्या जी? सच तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सोचा जाए तो बहुत कुछ है। आपकी फीस कितनी होगी जी? वो आपको बाहर से मालूम हो जाएगा। आज भी आपने खाने पे इंतजार नहीं किया मेरा। इंतजार करने वाले आपके क्लिनिक पर जो आ जाते हैं। शादी इत्तेफाक से इस शहर की बेशुमार ख्वातीन अपनी शादियों से नाखुश हैं। और बहुत अच्छे हैं उनके हस्बैंड्स, जो आपकी फीस अदा करके अपनी बीवियों की उदासी दूर करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, वरना वरना बहुत से लोग तो अपनी बीवी को जहेज के सामान से ज्यादा अहमियत नहीं देते। आपको किस बात का दुख है? आपके क्लाइंट्स तो आपकी जेब भर रहे हैं ना। लगता है कि मुझे अपना क्लाइंट खुद बनकर अपनी बीवी की काउंसलिंग करना पड़ेगी। मैं पागल नहीं हूं, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए जिसकी तमाम खूबसूरत बातें सिर्फ और सिर्फ उसकी मरीज औरतों के लिए। वो जब घर आता है तो बिल्कुल खाली जहन होता है, लेकिन उसकी जेब उबल रही होती है नोटों से। गलती मेरी है या तुम्हारी इससे बहस नहीं है, मगर ये सच है कि तुम मेरे प्रोफेशन से टकरा रही हो। और आपका प्रोफेशन मेरी फैमिली लाइफ से टकरा रहा है। काम डाउन साधिया, काम डाउन। देखो, हर आदमी की कोई ना कोई पहली मोहब्बत होती है, और मेरी पहली मोहब्बत मेरा प्रोफेशन था। और तुम्हारे इस घर में आने से भी बहुत पहले मैं इस मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। अगर आप अपने प्रोफेशन में इतने ही इन्वॉल्व थे तो फिर शादी क्यों की? मैं आपके प्रोफेशन की सौत बन के कैसे रह सकती? नहीं 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 साधिया, नहीं, तुम सौत नहीं हो, बीवी हो तुम मेरी। अगर तुम सोचो तो मैं जो कुछ कर रहा हूं इस घर के लिए कर रहा हूं, जिसमें तुम रहती हो, मैं रहता हूं। हम दोनों रहते हैं। दरअसल बात यह है कि आपको ऐसे मरीज मिल जाते हैं जिनके साथ आप अपनी इस किस्म की फीलिंग्स का इजहार करने के आदी। आप मर्द हैं ना, बोले या ना बोले, छुपे या सामने आ जाए, एक ही बात है। हाँ, ये मेरी मजबूरी है कि उदास खवातीन को खुश करने के लिए मेरी पर्सनालिटी एक अहम रोल अदा करती है, लेकिन मैं इस खुशी की फीस लेता हूं। डॉक्टर नासर, मैं भी हर रोज आपको आपकी एक्सपर्टीज की फीस अदा करूंगी। कितनी फीस है आपकी? ये नफ्सियात के प्रोफेसर मरीजों से क्या बातें करते हैं? तुझको क्या पता हो, ये नए जमाने की बीमारियां हमने तो पहले कभी नहीं सुनी। मेरा ख्याल है कि ये बीमारियां उन औरतों को लगती हैं जो बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़ के आती हैं। लदास, ये इतनी महंगी बीमारियां वहां से लगती हैं? अता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो सीमा से एक एक घंटा क्या बातें करेगा, क्या बताएगा उसे।
बहुत बड़ा डॉक्टर है, तजर्बेकार तो है ना, उम्र कितनी है उसकी? अब्बा काफी सियाना डॉक्टर है, बड़ा तजर्बाकार है, सब कहते हैं कि बहुत अच्छा है। चलो ये लाड भी देख लेते हैं। सीमा ये वो जगह है जहां तुम रिलैक्स करके जो कुछ महसूस करो वो कह सकती हो, ताकि भाई अगर मैं भी तुम्हें बुरा लगूं तो तुम ये बात साफ साफ कह दे। लंदन में एक मशहूर पार्क है हाइड पार्क, उसका एक गोशा है जहां जिसका जो जी चाहता है कह देता है। समझ लो कि ये क्लिनिक भी हाइड पार्क है। मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना। ये सिम्फनी एक मशहूर मौसीकार की है, तुम्हें मौसीकी पसंद है ना, लास्ट सेशन में बताया था तुमने मुझे। लगता है आपके पास मौसीकी की अच्छी खासी कलेक्शन है। देख लो जो पसंद है सुन लो। मैं तो जैसे सब कुछ भूल ही गई। जो पसंद आया करे सुन लिया करो। आपको पोएट्री पसंद है? हाँ क्यों नहीं भाई, पोएट्री, मुसव्वरी, मौसीकी, कोई अच्छी सी खूबसूरत सी फिल्म, कोई खूबसूरत सा मंजर, ये सब मेरी जिंदगी का पैशन है। जैसे इंसान के लिए सांस लेना जरूरी होता है ना, इस तरह ये चीजें भी जरूरी होती। जब मैं कॉलेज में थी ना मैं पोएट्री किया करती थी। अच्छा वाकई, तुमने मुझे तो कभी नहीं सुनाया अपना कोई शेर। आपके फेवरेट पोएट्स कौन कौन से हैं? उर्दू के या अंग्रेजी के? उर्दू के। उर्दू के एक तो मेरे ही हम नाम है नासिर काज़मी। हाँ मुझे बहुत पसंद है। वाकई? अच्छा इसके अलावा फैज साहब हैं, अहमद अलीम काज़मी साहब हैं, अहमद फराज साहब हैं, मुनीर नियाज़ी साहब हैं। I don't believe this. ये तो सब मेरे भी फेवरेट है। और परवीन शाकिर? परवीन शाकिर किसको पसंद है? अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, बड़ी खूबसूरत शायर थी। और इंग्लिश में मुझे कीट्स बहुत पसंद। सारे के सारे अपने ख्वाबों के पीछे भागते हुए इस दुनिया से चले गए, चले जाते हैं, सब के सब चले जाएंगे। तो फिर इंसान सारी जिंदगी ख्वाबों के पीछे क्यों भागता रहता है? इसका जवाब मैं तुम्हें अगले सेशन में दूंगा, ठीक है? मेरा दिल करता है कि मैं बादलों में उड़ती चली जाऊं। हाँ वेरी गुड लवली भाई, ये तो बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। अच्छा ये बता दो मोहब्बत के बारे में क्या समझती हो तुम? मोहब्बत, यही तो मैं आज तक जान नहीं सकी कि मोहब्बत क्या होती है। अच्छा कभी तुम्हारे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई हो कि तुम्हें कोई चाहे या पसंद करे? मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला ये नहीं है कि कोई मुझे चाहे या मुझे पसंद करे। मेरा मसला ये है, किस तरह आपको बताऊं, मेरा मसला यह है कि मैं किसी को चाहूं, मैं किसी को पसंद करूं, चाहे वो मौसम हो, बारिश हो, समंदर हो, फूल हो, कुछ भी हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो सीमा, इंसान का दिल जिंदा हो तो ख्वाब भी उसका साथ देते हैं। आप चाहे किसी को भी चाहे, चाहे वो बिल्ली हो, कबूतर हो, चाहे वो आपके लॉन में खिला हुआ गुलाब का फूल ही क्यों ना हो। गुलाब मुझे बहुत पसंद है। अच्छा चलो अब ये मौसीकी सुनते हैं। तुम खुद लगाओ।
چلنے دو، بند کیوں کر دیا؟ میں کسی ایسے شخص کو اپنی خاموشی اور خواب میں شریک نہیں کر سکتی جو اپنی خاموشی اور خوابوں میں مجھے شامل نہ کرے. یہ تو موسیقی ہے، میں تمہارے ساتھ سن سکتا ہوں. میں ادھورے آدمی کو اپنی مکمل آزادی میں شریک نہیں کر سکتی. لیکن میں آدھے آدمیوں کو مکمل کر سکتا ہوں، میجیشن ہوں میں، اور تم مجھے ادھورا آدمی کہہ رہی ہو. مجھے آپ کے میجیشن ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ میں ایک مکمل انسان ہوں. مکمل انسان ہوتی تو ایسے بیہیو نہ کرتی. میں آپ کو اپنے تجزیے کی اجازت نہیں دوں گی. میں جو بھی ہوں اپنے اندر مکمل ہوں، اور اتنی مکمل ہوں کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں آرام کی ضرورت ہے، یا شاید مجھے آرام کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، آپ نے مجھے ڈسٹرب کیا. شاید آج کو چھپاکا نہیں لگتا. لداس آج تو اس نے نا کمرے میں گانے بھی سنے. آہستہ آہستہ ہنسے بولے گی. لداس میں نہیں پتا بھائی یہ بیماری کیا ہوتی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو ٹی وی دیکھو، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ پریشان ہوئے بندہ. لے اماں پڑھی لکھی لڑکی کے اتنے مسئلے تو ہوتے ہیں. میں جا رہا ہوں، رات کو لیٹ آؤں گا. لداس یہ کوئی نئی بات ہے، روحو سی رات کو لیٹ آتی ہو. بہت اچھا میوزک تھا، لگ رہا تھا جیسے سارے کمرے میں میری دل کی دھڑکنیں بج رہی ہوں. کہتی تو پھر لگا لیتا ہوں. نہیں پھر سن لوں گی. آپ کہاں تھے اتنی دیر سے؟ ہاں ایک میٹنگ میں بزی تھا. آئی ایم سوری فار دیٹ. چائے پی لوں گی. جی سر دو چائے فرسٹ کلاس. جی ویسے آپ کی مسز بہت ہی لکی خاتون ہوں گی. اس بات کا اندازہ آپ نے کیسے لگا لیا؟ آپ سے مل کے. ہو سکتا ہے آپ کا اندازہ درست نہ ہو. جتنا آپ سے ملی ہوں اندازہ بھی اتنا ہی لگایا. سیما بعض اوقات دو اچھے انسان اپنی اپنی جگہ ہوتے ہوئے بھی مل کر ایک دوسرے کے لیے اچھے ثابت نہیں ہو سکتے. تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا فیصلہ ایک جملے میں نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتاؤ کہ اپنی نظمیں لائی ہو؟
میری خواہش ہے کہ میری نظموں کی کتاب چھپ جائے. چھپنا کون سی کوئی مشکل بات ہے؟ پہلے مجھے کچھ سناؤ تو صحیح. مجھے شرم آتی ہے، آپ خود ہی پڑھ لیں. نہیں 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 نہیں، خود لکھی ہے، خود ہی پڑھ کر سناؤ گی، اور شرمانا کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اچھا پھر آپ میرا مذاق نہیں اڑائیے گا. کاش میں ایک تتلی ہوتی، اڑ کر کسی جزیرے پر اترتی، جہاں دھوپ سبز گھاس پر سو رہی ہوتی، جہاں پھول ہوا سے کھیل رہے ہوتے. کاش میں ایک تتلی ہوتی اور کسی لڑکی کی نظموں کی کتاب میں جا کر سو جاتی، 100 سال تک سوتی رہتی، اور پھر کوئی اس لڑکی کا محبوب اس کتاب کو کھولتا اور مجھے نیند سے جگاتا. آپ میرا دل رکھ رہے ہیں، کوئی نہیں. اچھا نہیں نہیں honestly honestly بڑی خوبصورت نظم ہے، and it is different. آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی شاعرہ بن سکتی ہوں؟ why not، بلکہ لکھا کرو، اپنی ذات کا جتنا اظہار کر سکتی ہو کھل کر کیا کرو. That's good. میرا دل کرتا ہے میں کسی جنون میں مبتلا ہو جاؤں، کسی کو اتنا ٹوٹ کر چاہوں کہ پاگل ہو جاؤں، چاہے وہ گھر ہو، شاعری ہو، یا کوئی خواب ہو. دیکھو سیما، جس طرح خالی مکان میں بدرویں بسیرا کر لیتی ہیں نا، ایسے ہی انسان اگر اندر سے خالی ہو تو اس میں وہم اور خوف بسیرا کر لیتا ہے. میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں ہر وقت ٹرافیز لیتی رہوں، تالیوں کا شور سنتی رہوں.
तुम डिनर पे साथ नहीं जाओगी? मैं किसी डिनर पर इनवाइटेड नहीं। कम ऑन सादिया, ये देखो, ये है कार्ड जिस पे हम दोनों इनवाइटेड हैं, मिस्टर एंड मिसेस का। हाँ, इस पर एंड मिसेस लिखा हुआ, मेरा नाम तो कहीं भी नहीं। मुझे उन्हें जाती तौर पर बुलाना चाहिए था। तुम मेरी बीवी तो हो। वो तो कोई भी हो सकती, मेरी अपनी एक पहचान है, मेरी अपनी एक शख्सियत है। उन्हें कार्ड पर मेरा नाम भी लिखना चाहिए था। अच्छा बाबा, मैं कह दूंगा सबसे। क्यों, आप क्यों कह देंगे सबसे? जिसे मुझे बुलाना होगा वो खुद मुझे इनवाइट कर सकता है। सादिया, ये बात एक हद तक ठीक है, लेकिन मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकता। जिस दिन ऐसा कार्ड आया ना जिस पर मेरे नाम के बाद आपका नाम लिखा होगा, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। As you wish. जी, मैं जरा डॉक्टर साहब से मिलना है। नासिर साहब अंदर मरीज देख रहे हैं। हाँ भाई, हमारा ही टाइम है, मेरी बीवी अंदर है, मैं उसे लेने आया हूँ। कोई भी हूँ, नासिर साहब जब मरीज देख रहे हो तो कोई अंदर नहीं जा सकता। भाई आप फोन करके पूछ लें उससे। आप तशरीफ रखें, मैं पूछता हूँ। आपका कभी यह दिल चाहा है कि आप किसी अजनबी मकाम पर जा रहे हो और अचानक कोई ऐसा मिल जाए जिसे आपने बहुत चाहा हो? सीमा, जिसे बहुत चाहा जाए वो दूर कब होता है? वो तो साथ रहता है। बहुत अच्छी बात की आपने। तुम दूर मत जाया करो, हंसो, खेलो, एंजॉय करो। देखो, जिंदगी एक ऐसी बारिश है जो आपके अंदर बाहर दोनों जहानों में अगर एक साथ बरसने लगे ना तो एक छतरी काफी नहीं होती। वाकई जिंदगी और मोहब्बत। ये आपको अंदर पूछ के आना चाहिए था। जी, यहां मेरी बीवी है, पूछना कैसा? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये क्लिनिक है, यहां बगैर इजाजत के मैं किसी को अंदर आने नहीं देता। बहरहाल जी, टाइम हो गया था, मैंने सोचा कि उसे जाते हुए साथ ले जाऊं। अभी 10 मिनट बाकी है, फिर भी अगर आप ले जाना चाहें तो। आपका क्या ख्याल है कि अभी से इलाज की जरूरत है? जी बिल्कुल है। अभी तो ये ठीक बातें कर रही थी। सुहेल साहब, बाज़ औक़ात मरीज बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रहे तो वो दोबारा उसी कैफियत में मुब्तला हो सकता है। अल्लाह जाने जी। अब अगर ये ठीक है तो ले जाऊं इसे। जी, वाई नॉट, श्योर। चलो आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। अच्छा नहीं किया आपने। क्या किया मैंने? मेरी इंसल्ट की, कितनी बेइज्जती की आपने मेरी डॉक्टर नासिर के सामने। क्या बेइज्जती? उस डॉक्टर के सामने?
तुम्हारी? जी हाँ। अच्छा, तो तुम्हें वक्त से पहले वहां से आना अच्छा नहीं लगा? आना तो था ही मुझे, पर कुछ मैनर्स भी होते हैं। इलाज के भी कुछ तरीके होते हैं, दवा दारू होता है, परहेज होता है, वो क्या करता है बातें? क्या बातें करता है वो तुमसे? आपकी समझ में नहीं आई? नहीं, जर्मनी बोलता है या फ्रांसीसी? ये सब ढोंग है, बात कुछ और है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? तुम मोहब्बत करने लगी हो उससे? सहेल साहब, अब हद से आगे बढ़ रहे हैं। चीखो मत। आज के बाद तुम नासिर के क्लिनिक नहीं जाओगी, बहुत हो चुका इलाज, कुछ नहीं है तुम्हें, कुछ भी नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है मुझसे जान छुड़ाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। खरीदा हुआ माल न वापिस करता हूं न वापिस लेता हूं। तुम्हारे हुस्न की तो मैंने 3 गुना ज्यादा कीमत दी है तुम्हारे माँ बाप को। Shut up. मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ। मुझे नहीं, मेरे माँ बाप की मजबूरी को खरीदा आपने, मेरी खामोशी की कीमत अदा की है। और वही खामोशी तुम्हारी बीमारी है। मैं हूं तुम्हारी बीमारी इसलिए कि मैं जाहिल हूं, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं सुना सकता, शेर शायरी नहीं आती मुझे, गुलो बुलबुल के किस्से नहीं आते। और तुम उठना बैठना चाहती हो जाली बातें करने वालों के साथ। नहीं जाओगी तुम नासिर के क्लिनिक। आइए मिसेज नासिर। अंकल, मेरा नाम सादिया है। जानता हूँ। अगर आप जानते हैं तो फिर मुझे इसी नाम से बुलाया कीजिए। वाकई वुमेन राइट्स की एक्टिविस्ट को किसी की मिसेज कहने से पहले सोचना चाहिए। आई एम सॉरी। नहीं अंकल, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी अपनी भी एक शख्सियत है, मैं सिर्फ मिसेज नासिर नहीं हूँ। भाई मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी। हाँ बताओ कैसे आना हुआ? अंकल आप नासिर से बात करें। क्या बात, खरीद तो है? अंकल आप शायद नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ये शादी अब और आगे नहीं चल सकती। क्या, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते। नासिर एक अच्छा लड़का है और तुम भी अच्छी लड़की हो। अंकल हम दोनों ही अच्छे हैं, और यही हम दोनों की खराबी। मेरा ख्याल है कि ये बात ओवर ए कप ऑफ टी में हो जाए। दो चाय तड़क सी, जरा जल्दी। तो क्या समझाऊं उसे? समझाने से ज्यादा उसे यह एहसास दिलाने की जरूरत है अंकल कि इस शादी को बरकरार रखने के लिए सिर्फ मेरे ही कॉम्प्रोमाइज़ काफी नहीं है, उसे भी कुछ कोशिश करनी होगी। चले मैं उससे बात करता हूं। वैसे आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। फ्रेम की तस्वीर को 2 हिस्सों में तकसीम न करो। अच्छा ठीक है।
मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझसे अलग क्यों होना चाहती हो। आजकल आप किसी ज्वेलर की बीवी पर अपना मैजिक आजमा रहे हैं। ये मेरा प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन में अगर वो इन्वॉल्व हो गई आप में तो? ऐसा हुआ तो वो सेहतयाब हो जाएगी। इसे आप उसकी सेहतयाबी कहेंगे या बदकिस्मती? तुम इतनी शक्की क्यों हो गई हो? मैं शक्की नहीं हूं, कम से कम मैं किसी औरत से हसद कर ही नहीं सकती। मेरा मसला सिर्फ यह है कि आप जो थेरेपी कर रहे हैं वो मासूम औरतों के साथ फ्रॉड है। क्या कह रही है तुम? मैं अपनी जहानत से उनकी जहनी उलझनों का हल ढूंढता हूं बस। नहीं, झूठ बोलते हो, फरेब देते हो लोगों को, ख्वाब बेचते हो झूठे। ज्वेलर की बीवी को भी आप आजादी के ख्वाब बेच रहे हो, जबकि वो सोने की जंजीरों से कभी भी आजाद नहीं हो सकती। ये मेरा प्रोफेशन औरतों के हुकूक के खिलाफ कब से हो गया? काश आपको किसी एक औरत से मोहब्बत हो जाती, वो मैंने सही कोई और ही होती, लेकिन कम से कम आपको औरत के जज्बात का एहसास तो हो जाता। जज्बात? मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार करता हूं तो तुम कहती हो कि ये वो जुमले हैं जो मैं अपने मरीजों पे इस्तेमाल करता हूं, आजमाता हूं उन पे। मुझे समझ में नहीं आता मैं कहां जाऊं, क्या करूं मैं। अगर आप जुमले नहीं बदल सकते ना तो बीवी बदल लीजिए। तुम क्या चाहती हो, जुमले बदलूं या बीवी? मेरा ख्याल है कि आपको बीवी की जरूरत नहीं है। तुम्हें शौहर की जरूरत है। मालूम नहीं, लेकिन मैं समझती हूं कि आपके बगैर मैं ज्यादा खुश रह सकती हूं। इस हवाले से तो हम दोनों ने अपनी अपनी जगह गलती की है। मुझ में जुर्रत है कि मैं एक मुनाफिक के साथ जिंदगी गुजारने से इनकार कर सकूं। फिर सोच लो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े, या फिर बाद में तुम्हें पता चले कि मुझ में वो तमाम खूबियां हैं जो तुम्हें नजर ना आ सके। अगर इस बात का एहसास हुआ भी ना तो मैं इसे अपनी जिंदगी की एक तल्ख हकीकत समझकर भूल जाऊंगी। Thank you.
तुम कहाँ जा रही हो? डॉक्टर के पास जा रही हूँ। सुहेल ने मना किया है कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे अपने सेशन कंप्लीट करवाने हैं। लदास, ये गिटपिट यहाँ नहीं चलेगी, तुम नहीं जा सकती हो। मैं किसी की गुलाम नहीं, किसी को शक है तो आकर देख ले। तुम हमारी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती हो। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा अख्तियार है, जहाँ चाहूंगी वहीं जाऊंगी। लदास, चलो इलाज का कोई तो फायदा हुआ, तुम बोलने तो लग गई हो ना। अपने हक के लिए मुझे बोलना ही नहीं, अब लड़ना भी आ गया। और शादी का मतलब ये नहीं होता कि औरत घर की कैदी बन जाए और सोचना छोड़ दे। दस कि मैं टर 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 करने लग गई है। सुगरा जी, बीबी जी, टेलीफोन लेके आ। आई बीबी जी। ले बीबी जी। हेलो सुहेल बेटा, वो मेरे इतने मना करने के बावजूद वो उसी डॉक्टर के पास चली गई है। जी मैं मरने से पहले नहीं मरना चाहती, मुझे बताएं मैं क्या करूं। आपने मेरी बीमारी को सही समझा, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं मजीद ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो रात को 2-2 बजे दोस्तों की महफिल करके या सारा दिन अमीर बेगमात की चापलूसी करके घर आता हूँ और सुबह फिर चला जाता हूँ। हाँ, वो समझता है कि बीवी को दौलत और जेवरात से लाद दिया जाए तो उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। जो शख्स रिश्वत के पैसों से जेवर खरीदने वाली बेगमात पे अपनी सारी मोहब्बत लुटा देता, उसके पास बीवी के लिए क्या बचता है? हाँ, होता है, होता है ऐसा। वो आप ही बताएं, ऐसे आदमी के साथ कोई औरत रह सकती है? नहीं, नहीं रह सकती, छोड़ जाती। अब या तो मैं सोने के ताबूत में दफन हो जाऊं, या अपने एमए कर लूं, शायरी करूं, इस दुनिया में अपनी कोई जगह बनाऊं। लेकिन अगर मैं उस शख्स से तलाक ले लेती हूं तो मैं अकेली आगे कैसे बढ़ूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे हिसाब से सीमा, तुम्हारे सेशंस मुकम्मल हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके। तो मुझे आपकी अब भी जरूरत है। काश। काश क्या? काश मैं आपसे पहले मिली होती या आप शादीशुदा ना होते। अच्छा, इतना अच्छा लगता हूं मैं? अब बहुत अच्छा। इस अच्छा लगने की मैं फीस लेता हूँ, इसलिए अच्छा लगता हूँ। नहीं, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। अब मैं हर वो बात जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। नहीं सीमा, मैं आइडियल इंसान नहीं हूँ, ये तो मेरा पेशा है। और मेरे पेशे का तकाजा है कि मैं अपने मरीज के साथ ऐसी गुफ्तगू करूँ जिसकी कशिश और तासीर मेरे मरीज के अंदर एतमाद और तवानाई पैदा करते, ताकि उसकी उलझने और ना समझ में आने वाली हकीकतें उस पर वाजे हो जाए, जो उसकी उदासी और मायूसी का सबब बनती। तुम्हारे बाद तुम जैसी कोई और लड़की आ जाएगी इलाज के लिए। अब मैं अपने हर मरीज के साथ शादी तो नहीं कर सकता, हत्ताकि मैं अपनी बीवी का शौहर नहीं बन सका। और वो मुझे छोड़कर चली गई।
तुम उस वक्त कहाँ थे? सर वो मैं साहब की इजाज़त से ये शॉपिंग करने और ये बिल जमा करवाने गया था। ये देखें बिल की रसीद पे उस दिन की तारीख की मोहर लगी है सर। मैं वहाँ था सर। डरो नहीं, तुम जब गए तो उस वक्त क्लिनिक में कौन कौन था? उस वक्त क्लिनिक में वो थे और उनकी पेशेंट थी सर। कब से जानते हो उन्हें? कुछ अर्सा हुआ है सर। ये कुछ अर्से से तुम्हारी क्या मुराद है? सर वो ढाई महीने से आ रही थी हमारे क्लिनिक में सर। तुमने कोई खास बात देखी क्लिनिक में या मकतूल के साथ या रूटीन में कोई तब्दीली? जी नहीं सर। तुम उनके बारे में और क्या जानते हो? किसके बारे में? मकतूल की पेशेंट के बारे में। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो सुहेल ज्वेलर्स वालों की बहू है। सुहेल ज्वेलर्स? तुम सुहेल को जानते हो? जी वो दो तीन दफ़ा आए थे हमारे क्लिनिक में। यानी हर दफ़ा अपनी बीवी के साथ नहीं आया करते थे? एक दिन पहले आए थे। अकेले या बीवी के साथ? अकेले, हिसाब बेबाक करने। हिसाब बेबाक होने के बाद वो क्यों आई? सर उनका ख्याल था कि इलाज जारी रहना चाहिए। तो गोया वो अपने शौहर की मर्जी के खिलाफ मकतूल से अपना इलाज जारी रखना चाहती थी, है ना? जी सर। गुड, ठीक। करीम बख्शी से ले जाओ और बीबी को भेजो। नहीं नहीं, इसे रहने दो। ये सुहेल ज्वेलर के घर के बाहर किसी की ड्यूटी है? चार सिपाहियों के साथ एएसआई रफीक तैनात है सर। गुड। कोई गैर मामूली तेरा? नहीं सर, अभी तक तो कोई गैर मामूली वाकया नहीं हुआ। बैठो बीबी। मकतूल के क्लिनिक में किस मर्ज का इलाज कराने जाती थी आप? कब से जा रही थी आप मकतूल के क्लिनिक में? आपका नाम क्या है? आप हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए बीबी, आप इस कत्ल की वाहिद चश्मदीद गवाह हैं या कातिला है। अगर ये कत्ल आपने नहीं किया तो ये बताइए कि ये कत्ल किसने किया है, और अगर आपने ये कत्ल किया है तो उसकी वजह बताइए कि आपने मकतूल को क्यों कत्ल किया। ये पुलिस स्टेशन है बीबी, ये फिल्म स्टूडियो नहीं है जहां डूंगी लड़की का पार्ट कर रही है। तुम्हारी खामोशी का मतलब यह है कि तुम नहीं अपने मालिक को कत्ल किया है, तुमने। हाँ हाँ, तुमने। इसे बंद करो, रिमांड के बगैर मसला हल नहीं होगा। बहुत अफसोस हुआ मुझे इस कत्ल को अपना कर्विता बना लिया था। तुमने खो दिया उसे, हमने खो दिया एक हीरा, न जाने क्यों कैसे मिट्टी में मिले। आप ठीक कहते हैं अंकल, वो एक हीरा था। मैंने सजाया था उसे अपनी जिंदगी के माथे पर, लेकिन मैं लड़ती थी उससे, झगड़ती थी, बहुत बहुत पजेसिव थी। हर औरत होती है अपने शौहर के मामले में। मुझसे कहा करता था अंकल आप सादिया को समझाएं, वो बीवी बनकर नहीं एक दोस्त बनकर चाहे मुझे।
मैं बहुत मुखलिस हूं, मुझ में कोई ऐप नहीं है और उसमें कोई ऐप नहीं था। पता नहीं, लेकिन मुझे वहम हो गया था कि वो अपनी उस मरीजा में दिलचस्पी लेने लगे, वो जो आखिरी वक्त में उनके साथ थी। हर जेन्युइन डॉक्टर की यही प्रॉब्लम होती है बेटा, और फिर उसका तरीका इलाज दूसरों से मुख्तलिफ था। वो दवाइयों पर बिलीव नहीं करता था, वो रवैयों पर बिलीव करता था, लेकिन मौत ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अंकल उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, मौत से भी नहीं, फिर उसे किसने मारा? पुलिस ने उस लड़की का रिमांड ले लिया है, वो जरूर बता देगी। लेकिन अंकल वो तो खामोश है। पुलिस उगलवा लेती है सब कुछ। काश ऐसा हो, क्योंकि अंकल उस वक्त वही थी नासिर के पास। अगर उसने कत्ल नहीं किया ना, तो उसको ये जरूर मालूम है कि कातिल कौन है। हो सकता है, लेकिन ये तो अब उसके बयान पर ही मुनसर है। अंकल, उस लड़की को आप जानते हैं? मिले आप उसे? नहीं। लेकिन मैं देखना चाहती उसे, जिसकी वजह से मेरा नासिर मुझसे जुदा हो गया। शक्ल देखना चाहती हूँ मैं उसकी, देखना चाहती हूँ कि वो क्या चीज है। कंट्रोल योरसेल्फ सादिया, प्लीज। मैं जानती हूँ अंकल, और ये एक औरत ही जान सकती है। अगर उस लड़की ने नासिर को कत्ल नहीं भी किया, तो वो उसकी मौत की जिम्मेदार जरूर है। मुझे यकीन है अंकल कि नासिर को उस लड़की की वजह से ही मारा गया। प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज अंकल, मुझे उस मनहूस के पास ले चलिए। प्लीज ले चलिए, मैं देखना चाहती हूँ। ले जाओ, ले जाओ। हाँ भाई, कुछ बोलिए कि नहीं? खड़ी रहो, खड़ी रहो। तुम नहीं बैठ सकती, बोलो तुमने उसे कैसे कत्ल किया, बोलो, वरना मुझे बुलवाना आता है। बोलो, क्या ताल्लुकात है तुम्हारे उसके? तुम्हारी वजह से उसकी बीवी उससे दूर हुई है। क्या कहानी है, बोलो, तुमने कैसे कत्ल किया उसे? सर, ये इतनी खामोश है कि समझती है कि हम इसे मासूम समझ रहे हैं। देखो, उस कत्ल के वक्त सिर्फ तुम उसके पास मौजूद थी, इससे तुम बता सकती हो कि ये कत्ल किसने किया है, तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने? तुम उससे शादी करना चाहती थी और उसके इनकार पर तुमने उसे कत्ल कर दिया। बोलो, बोलो, मैं कहता हूं बोलो। बोलो, जवाब दो। मैं कहता हूं बोलो, वरना मुझे बुलवाने के और भी तरीके आते हैं। कोशिश करो कि इसकी नौबत ना आए और तुम खुद ही बता दो। मैं देखता हूं कैसे नहीं बोलती है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मत करो हमसे चालाकी की कोशिश। आज की रात सोच लो, सुबह तुम्हें टिकटिकी में डाल दूंगा। सुनो, इसे बैठने ना देना, इसे तक खड़ी रखो। बीबी सीधी खड़ी हो, बैठने की मत कोशिश करो। आंखें खोलो। आप लोग मुझे गिरफ्तार करने आए होंगे, आप लोगों की सोच यहीं तक काम कर सकती है। मजबूरी है बीबी, हमें तफ्तीश का दायरा यहां तक बढ़ाना पड़ा।
हमें अफसोस है कि हमें आपको आपके शौहर के कत्ल के इल्जाम में शामिल तफ्तीश करना पड़ रहा है। चूंकि मेरा शौहर मुझसे छीन लिया गया है, मैं मजलूम हूं, इसलिए बेल बिफोर अरेस्ट की जरूरत महसूस नहीं की। मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं। चलिए। हाँ भैया हवालदार, वो भोले क्या नहीं? कौन सर? वो जिसे कल गिरफ्तार किया था? हाँ हाँ, मकतूल की बीवी की बात कर रहे हैं हम। वो तो सर रोने के सिवा कोई बात नहीं करती, बस रोती चली जा रही है जी। और वो दूसरी? वो तो जी गुमसुम सी रहती है, बिल्कुल पत्थर बन गई है, जरा नहीं बोलती। अच्छा, अच्छा ये बताओ कि सीमा से मिलने कौन कौन आता है? सर एक वकील और उसका बाप आता है। खावन और दूसरा कोई? अजी खावन ने तो अपनी बीवी से लातौलकी का इश्तेहार छुपवा दिया है कि मेरा सीमा के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये चालचलन की अच्छी नहीं थी। अच्छा, क्या ख्याल है अख्तर, हमें उसके बयान पे यकीन करना चाहिए या कुछ और देखें? वालदा तुम जाओ। वैसे ही बड़ी हैरानी की बात है कि सीमा के खावन ने ना तो अभी तक उससे मुलाकात की है और ना ही उसकी खबर ली। बहरहाल मैंने सुहेल के चार चरण पर नजर रखने की जो टीम मुकर्रर की है, आज शाम तक उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, और अगर ये रिपोर्ट मेरे अंदाजे के मुताबिक हुई तो इंशाल्लाह ये मुहिमा बहुत जल्द हल हो जाएगी। Thank you.
ये सादिया मेरी भतीजी है, मैं उसकी शख्सी जमानत के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये रहे मेरे शख्सी जमानत के कागजात। ये मेरे वकील हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। थैंक यू। ठीक है सदीकी साहब, बहरहाल तफ्तीश के लिए तलबी पर उन्हें हाजिर होना पड़ेगा। जी मैं बिल्कुल, तो अब मैं उसे ले जा सकता हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। करीम बख्श भाई, बीबी को बुलवाओ। तो ये है वो डाइन जिसने मेरे शौहर का खून पिया है। बहुत खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें, बहुत दूर तक मार करने वाली। तुमने मार दिया मेरे नासिर को, उछाड़ दिया मुझे, खा गई तुम उसकी वो सारी खूबसूरत बातें जो सिर्फ मेरे हिस्से की थी, पी गई उसकी आवाज का वो रस जो मेरी रूह में उतरने के लिए था। अल्लाह करे तुम मर जाओ। मेरी रिपोर्ट ये है कि सुहेल जुलर अभी तक दुबई नहीं गया, शहर में मौजूद है। कहाँ है? उसे गिरफ्तार करना जरूरी है। हाँ, वक्त आने वाला है कि उस पर हाथ डालना होगा, पक्का हाथ। सर मुझे तो जी उसकी बीवी बेकसूर लगती है। हाँ लेकिन उसका कसूर ये है कि वो डॉक्टर नासिर में इन्वॉल्व होने लगी थी। वो क्या? खामोशी, उसकी खामोशी बताती है वो अंदर और